दिल्ली के नेहरू नगर में पुलवामा आतंकवादी हमले के शहीदों की याद में शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार के द्वारा पीजी डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर चैरिटी मैच का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई व उनके परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता करने का एक प्रयास किया गया। इस चैरिटी मैच के कार्यक्रम के सूत्रधार श्री तरुण जोशी जी से हमने बात करी और जानने की कोशिश की कि किस प्रकार खेल के मैदान से देश के रक्षकों को वो अपना सलाम दे रहे हैं। ना ये भी जा रहा है कि पीजी डीएवी कॉलेज और डीएवी स्कूल्स की इस पहल को सभी अन्य स्कूलों द्वारा भी सराहा जा रहा है और सभी इस कार्यक्रम की बहुत ही प्रशंसा भी कर रहे हैं। देखिए, जो एक हमला था, बहुत एक कायरतापूर्ण हमला था और एक भारतीय होने के नाते मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और जहाँ तक मेरे मन में विचार ये तो आज है कि हर भारतीय के मन में विचार है कि किस तरीके से इन लोगों के लिए आगे आया जा सके। मैं ये चैरिटी मैच करा रहा हूँ, इसमें सिर्फ स्कूली स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसमें पुराने हमारे एलुमनाइज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कोचेज वगैरह भी हैं। सब ने इसमें अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दिया है। चैरिटी फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हम इनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ मदद कर सकें। वैसे तो मदद के लिए इनके लिए एक सरकारी सहायता इनके लिए बहुत आ रही है। लोग अपने अपने स्तर पर, हर स्तर पर आगे आ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, फिल्म स्टार हो, मीडिया के लोग हों, व्यापारी हों, सभी लोगों के लिए आज साथ पूरा एक देश इनके साथ खड़ा हुआ है। और एक भारतीय होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी इस नेक काम में इनके साथ खड़े हूँ। और आज जो मैं ये मैच ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इस मैच का मकसद ही यही है कि एक इनिशिएटिव लिया गया, एक मेरे द्वारा, एक मेरे स्कूल के द्वारा। आज हम एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आज हमें देखकर और स्कूल्स भी खड़े होंगे और स्वयंसेवी संगठन भी खड़े होंगे और एक इसके लिए एक निश्चित एक फंड हम इकट्ठा करके इन लोगों के लिए मदद कर सकेंगे। कितना फंड इस मैच से आप सोच रहे हैं कि आपका इकट्ठा हो जाएगा और कितना आपने कुछ टारगेट सेट किया? नहीं, इसमें हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ना हमने इसमें किसी को बाउंड किया है कि आपने इसमें इतना अपना इतना फंड्स वगैरह देना है। ये तो इसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जो अपनी इच्छा से, जिसके मन में भावना है, अपने अपने इच्छा स्तर पर दे रहा है, इस चेक्स वगैरह देंगे जो देंगे। और मेन मोटो इसका यही है कि इस स्तर को हम किस तरीके से आगे बढ़ा लेके जा सके, इस मैसेज को आगे कैसे हम फॉरवर्ड कर सके जिससे लोग और एकजुट होकर इस नेक काम में आगे आ सके। डीएवी संस्था किस तरीके से सहयोग करने के लिए आगे आ रही है और डीएवी संस्था की तरफ से क्या क्या सहयोग दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो यहाँ पर आज एक अपने एसआईडीवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अपने इंडिविजुअल स्कूल के यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारा स्कूल इस स्तर पर आ गया है। और मैं आपको बिल्कुल ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस चीज़ को देखकर और स्कूल्स भी, सिर्फ डीवी से नहीं, और स्कूल्स भी आगे आएंगे। और डीवी तो अपने आप में इन चीज़ों के लिए हमेशा ही जाना जाता है, चाहे वो भूकंप हो, किसी तरह की आपदा हो, हमेशा इन चीज़ों में मदद करते हुआ है और आगे इनमें भी मदद करेगा। क्या लगता है कि इस तरीके से खेल भावना से आप श्रद्धांजलि जब दे रहे हैं तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको कितनी मोटिवेशन मिल रही है खेलते वक्त, तो कितना एक भारत के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज सबके मन में एक रोष है, एक आक्रोश है, पर फिर भी वो नेक काम में वो सब आ गए हैं। ये खेल एक माध्यम बना है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक माध्यम है कि किस तरीके से इन लोगों की मदद की जाए। और आज ये लोग जो खेल रहे हैं ना, ये अपनी देशभक्ति एक तरीके से दर्शा रहे हैं कि आज हम खेल के माध्यम से भी इनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ इकट्ठी कर सकते हैं, कुछ फंड इकट्ठा कर सकते हैं जो इनके लिए आगे काम आएगा। सभी भारतीय सैनिकों और जवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकूँगा कि वो बेचारे हमारे लिए सीमाओं पर खड़े हैं, हमारे लिए जान देते हैं, हमारे लिए अपने प्राण निछावर करके हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज करूँगा कि आप वहाँ पर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा एक काज, एक छोटी सी इस चीज़ में लगे हैं कि हमारी तरफ से कुछ चीज़ें हो सकें। बाकी हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते जो सीमाओं पर वो लड़ रहे हैं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, जिस तरीके से वो खड़े हैं। हम तो यहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपके सामने आराम से खड़ा हूँ, बट जिस तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ के लिए तो हम उतना नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास ज़रूर कर सकते हैं वहाँ में शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए और जो कलेक्शन हो उन लोग उन परिवारों को मदद करने के लिए। हमारी तरफ से ये सोसाइटी को मैसेज है कि सभी लोग आगे बढ़ के उन शहीदों को नमन करें, उनका परिवारों की मदद करें कि जो लोग अपनी जान, अपना सब कुछ बलिदान करते हैं बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारा उनको छत छत नमन। कभी कभी मौका मिलता है और जिस चीज़ के लिए हम खेले हैं उसी के लिए दोबारा तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए कि ऐसी हरकत दोबारा ना कर पाएँ। हमारे सैनिकों को बिना बताए जो हुआ है उसके लिए हम सब के आँखें नमन हैं, हम सब ने कैंडल मार्च करी है, लेकिन जवाब तो देना होगा जिसने भी ये किया है। और आगे से करें अगर ऐसे कोई चैरिटी मैच तो किसी अच्छे और अच्छे कॉज के लिए करें, ऐसे किसी क्या के लिए। क्या लगता है कि जब आप खेल रहे थे मन में क्या भावना थी, किस तरीके का एक
प्रकट हो रहा था कि किस तरीके से खेलना है, क्या करना है, कितनी चैरिटी आप लोग करेंगे आज? देखिए, हर इंसान अपने अपने तरफ से तो कोशिश करता ही है, और हम यहाँ पे खेल रहे थे तो ये सोच के खेल रहे थे कि लोग हमें देखेंगे और उन्हें पता लगेगा कि ये इस कॉज के लिए खेल रहे हैं, तो जाने अनजाने में कोई अब अगर हमें कहता कि जी हमारी तरफ से भी 500 लीजिए, 1000 लीजिए, और ऐसे 50 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो 50 × 50 यू भी हो जाता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट हो सकती है। जब कंट्रीब्यूट करने वाले होते हैं तो दिन का मैटर करता है। हम सब कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, तो हमारे बैच के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स हैं, कॉलेज के हमारे तरुण सर हैं, हमारा DAV कॉलेज ध्यान विहार का, सब मिलजुल के जो हम कर सकते हैं इकट्ठा करके वो सब हम वहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। खेले कैसा लगा सब लोग, आप किस तरीके की एक भावना थी मन में? बहुत ही बेहतर लगा, जैसे काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिले, दोस्त लोग, सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए, मेरे बैच के भी, मेरे से जूनियर भी, मुझे स्कूल छोड़े 15 साल हो चुके हैं, तो अभी मेरे बैच वाले भी थे, 5 साल छोटे भी थे, 10 साल छोटे, सब इकट्ठे मिल के खेले।